जय प्रभु, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है हमारे परमेश्वर के भवन में। और क्या ही अद्भुत दिन है और अद्भुत बात है कि हम सब अपने घरों को छोड़ के इस स्थान पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। तो आप सबसे निवेदन है, अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए परमेश्वर की आराधना करने के लिए, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, और जिसके सम्मान कोई भी नहीं। हालेलुया, यस हालेलुया। राजा है, वो प्रभु का प्रभु है।
जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। चाहे ना कि हो तेरी ज्योति ना हारी कभी।
चुने हुए हैं, जब तक सांसे रहे करें ना हम विश्राम। आप क्या समझते हैं इस बात से? कोई बताएगा आप क्या समझते हैं इस बात से? हमने गाया था कि हम चुने हुए हैं, जब तक सांसे रहे करें ना हम विश्राम। हमें दिन रात परमेश्वर की धन्यवाद करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ पे आप हैं, तो वो परमेश्वर की योजना है, और ये दिन आपने देखा है तो परमेश्वर की दया है आपके ऊपर। हालेलुया। और क्या हम सच में अपने दिल से उसकी आराधना कर रहे हैं आज की सुबह? ये क्वेश्चन हमें हमें आज ही नहीं, हर समय पूछना चाहिए, क्या मेरा दिल परमेश्वर को भाता है? क्या मैं उस परमेश्वर को भाती हूँ? तो आज की सुबह हम अपने पूरे दिल से, अपने पूरे प्राण से परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर योग्य का परमेश्वर है। सारी स्तुति, सारी आदर का योग्य सिर्फ परमेश्वर है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। आप ही को सारा आदर, आदर और महिमा मिले, क्योंकि आप ही योग्य के परमेश्वर है, और कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं। पर प्रभु
पूरा करता है, चाहे वो हमारा दिल हो या कुछ भी हो, हमें चंगाई देने वाला, हमें छुटकारा देने वाला आप है प्रभु जी। इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं ताकि आपको सारा आदर मिले, दिल से प्रभु, पूरी आत्मा से आपको महिमा चढ़ाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, हमारी आराधना को ग्रहण कर लो प्रभु जी। होने पाए कि आज हमारे, आज ही हमारी आराधना प्रभु आपके लिए एक बेहद एक हमारे हृदय से निकला हुआ एक ग्रैटिट्यूड है आपके लिए प्रभु जी। हम कुछ दे नहीं सकते प्रभु, बट आपने हमें सीने से लगाया, हमारे आंसुओं को पोछा, हमारे टूटे दिलों को जोड़ दिया, उसके बदले हम आपको क्या ही दे सकते हैं। इसीलिए आज के दिन प्रभु पूरे दिल और पूरे मन से हम आपकी आराधना करते हैं, इस धन्यवाद के भेंट को ग्रहण कर लीजिए प्रभु जी। Yeah.
तो गाइए, मेरी चाहत तू दिन और रात, मेरी चाहत से बाप, मेरी आरज़ू सिर्फ आप, मेरा हौसला सिर्फ आप है प्रभु। यहोवा परमेश्वर के सामने हम सजदा करते हैं अपने आप को, केवल वही है जो इसके योग्य है। सजदा 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 करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सामर्थी प्रतापी यहोवा परमेश्वर, सजदा करूं, सजदा करूं, हालेलुया। सारे पृथ्वी भर में, सारे स्वर्ग में केवल एक ही नाम है, केवल एक ही नाम है, केवल एक ही नाम जो सामर्थी नाम है, जो पवित्र नाम है, एक ही नाम है जो महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य और प्रशंसा के योग्य है। केवल एक ही नाम है उसका, जिसने कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। केवल एक ही नाम है उसका जिस नाम से शैतानी शक्तियों को भागना होता है। केवल एक ही नाम में जिससे इंसान, जिससे मनुष्य अपना उद्धार प्राप्त कर सकता है। केवल एक ही नाम है जिससे सारे बंधन टूट सकते हैं। केवल एक ही नाम है जिसमें हर प्रकार के बोझ उठाए जाते हैं। वो नाम है यीशुआ, वो नाम है यीशुआ, वो नाम है यीशुआ। हालेलुया, हालेलुया, हो 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 रे बाबा बखा बाला बरा बा शांति रनमा। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, तू ही मेरा सब कुछ है, मेरा श्वास, मेरी दिल की धड़कन,
हर कदम कदम जो मैं उठाता हूँ, हे मेरे प्रभु मेरे स्वामी, आप ही सब हैं, आप ही वो हैं जिससे मैं अपनी चंगाई प्राप्त करता हूँ, आप ही वो हैं जिससे मेरे जीवन का हर जंजीर टूट सकता है, आप ही वो हैं जिसमें मेरे नाम मेरे जीवन का हर बोझ और हर बंधन टूट सकता है, आप ही वो हैं जो हमें चलाते हैं, आप ही वो हैं जिसके द्वारा मैं अपना सांस ले सकता हूँ, आप ही वो हैं जिसके नाम से और जिसके आशीर्वाद के द्वारा जिसकी कृपा से मेरी दिल की धड़कन बनी हुई है। आज मैं अपना नहीं हूँ, मैं आपके द्वारा मोल लिया गया हूँ, इसीलिए मैं आपका हूँ। होने दे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपने जीवन को इस पृथ्वी में जी सकूं। काश कि ये हम सबों की प्रार्थना हो और काश कि हम सब इस बात को पहचाने कि यदि हम जीवित हैं आज 21 मई 2023 को 11:30 बजे तो वो केवल इस कारण प्रभु की कृपा और करुणा हम पर बनी हुई है, और कोई वजह नहीं है और कोई कारण नहीं है। इसीलिए हम सारा आदर उस यहोवा परमेश्वर को देते हैं, सारी महिमा उस यहोवा परमेश्वर को देते हैं, सारी स्तुति और प्रशंसा जिसके वो योग्य है हम उसे देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों में जिन लोगों को आपने चंगाई दी है प्रभु, वो आज भले चंगे वो चल फिर रहे हैं, उन्होंने अपनी चंगाई प्राप्त कर ली है, और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर, यदि आज के दिन यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे चंगाई की आवश्यकता है, प्रभु होने दे जिस विश्वास से वो यहाँ पर आए हैं उस विश्वास के अनुसार उनके साथ होने पाए। प्यारे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्रभु, जो जो लोग किसी प्रकार की चुनौती का सामना कर रहे हैं या किसी प्रकार की अगुवाई की आवश्यकता है, प्रभु जी मार्गदर्शन देने वाले आप ही हैं, मुहैया करने वाले आप हैं प्रभु जी, मदद और अगुवाई करने वाले आप हैं, तभी हम कह सकते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, ये वही मेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया, होने दे ये हमारी जीवन की एक सच्चाई होने पाए कि हम आपको अपने चरवाहे के रूप में हम देखें माने समझें और उसके अनुसार हम जिए। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। God bless you all. Nice to see all of you here in the house of our heavenly Father. परमेश्वर के आप सभी को आशीष दे, आप सब लोग को परमेश्वर के भवन में देखकर खुशी है। You know, my eyes always search who are here and who are not here. और मेरे आँख जो है वो हमेशा खोजते रहते हैं कि यहाँ कौन है यहाँ कौन नहीं है। सो व्हेन आई नेक्स्ट वीक व्हेन आई सी समवन, व्हेयर डिड यू गो लास्ट संडे, सो अगर मैं किसी को नहीं देखता हूँ तो अगले हफ्ता मैं पूछता हूँ कि पिछले रविवार आप कहाँ थे। आई डोंट आस्क ऑल द संडेज टू एवरीबॉडी, और हर समय नहीं पूछता हूँ। But then people are surprised, how did you notice? लेकिन लोग सोचते हैं कि आपने ध्यान कैसे दे दिया। So I will not describe too many things. So मैं बहुत चीजें ज़्यादा वर्णन विस्तार में नहीं बताऊँगा। How many of you remember what I started last Sunday? आप में से कितने लोग याद रखते हैं पिछले रविवार को मैंने क्या शुरू किया? I didn't preach, but मैंने प्रचार नहीं किया। I introduced the. लेकिन उसका परिचय दिया था मैंने। How many of you remember? आपको याद है? Huh? If I didn't preach, then you will ask how can I remember what I preached? देखो, he is totally blind and he remembers it. He knows exactly what we read. और भाई अच्छे से याद है भाई को हमने क्या प्रचार किया था? All of us have two eyes nicely working. And हम सब लोग के पास दो आँखें हैं, two ears, दो कान हैं, nicely working. और अच्छे से काम कर रहे हैं.
And our brain also is working. और हमारा दिमाग भी काम करता है. And most of you have a brighter brain than I have. और आप में से ज़्यादातर लोगों के पास मेरे से तेज दिमाग है. So why is it that we cannot remember? लेकिन हम याद क्यों नहीं रख पाते हैं? It is very important that we remember. ये बहुत जरूरी है कि हम वचन को याद रखें. Otherwise, my preaching will be in vain. अन्यथा मेरा प्रचार करना बिल्कुल व्यस्त व्यर्थ में रहेगा. Why should I preach? मैं क्यों प्रचार करूं? Because we are living in the last moments of the last days. क्योंकि हम अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में जी रहे हैं. We don't have a time much more. हमारे पास और अधिक समय नहीं रह गया है. I want all of you to take note of this. हम चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखें. Usually preachers and pastors talk about an end time revival. और ज़्यादातर पासवान और जो प्रचारक हैं वो अंत के दिनों के जागृति के विषय में बात करते हैं. But there is an end time revival coming. एक अंत का समय का जागृति है जो आने वाला है. But when is it? लेकिन वो कब होगा? When that revival happen, जब वो जागृति होगा, the church will not be here. तब कलीसिया यहाँ पर पृथ्वी पर मौजूद नहीं होगा. The church will be taken away before that. क्योंकि उससे पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा. And so, but there is another sign given by the Lord Jesus Christ as we draw closer to the rapture of the church. Lekin prabhu yeshu masih ne hame ek aur chin diya hai jabki hum yeshu masih ke aagman ke bahut kareeb hain. You know what it is? Aap jante hain wo kya hai? I don't think you know. Maine sochta hu ki aap jante hain. I mentioned it a few times. और कुछ समय में मैंने इसको बताया है. But today I'm going to mention it one more time. लेकिन आज मैं इसको फिर से दोहराऊंगा. I want you to listen and remember that. और मैं चाहता हूं कि आप इसको सुने और याद रखें. We all are looking for a great revival. हम सब इंतजार कर रहे हैं एक बहुत बड़े जागृति के लिए. That is not what is going to happen. लेकिन ऐसा नहीं होगा. There are two things that will happen. दो बातें होंगे. Number one, पहली बात, many are in the faith will fall from their faith. बहुत लोग जो विश्वास में पाए जाते हैं वो अपने विश्वास से गिर जाएंगे. What is going to happen? क्या होगा? First, पहली बात, विश्वास से गिर जाएगा. Please don't forget that. और इस बात को याद रखे, भूले ना. When the revival is coming, when that revival come, I will not be here. हम बोलते रहते हैं जागृति आ रही है, जागृति आ रही है. जब वो जागृति आएगा हम यहाँ पर नहीं रहेंगे. And it is my prayer. और ये मेरी प्रार्थना है. That none of you will be. कि आप में से कोई भी यहाँ पर इस पृथ्वी पर ना रहेगा. To left behind when Jesus comes for the church is unthinkable. क्योंकि जब यीशु मसीह अपने कलीसिया के लिए आएंगे तो फिर यहाँ पर पीछे छूट जाना इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते. When the wrath of God begins to fall upon the nations of. क्योंकि जब परमेश्वर का जो क्रोध है वो राष्ट्रों के ऊपर गिरेगा. During that great tribulation time. उस महाक्लेश के समय में. But at the same time. लेकिन उसी समय. Thousands and thousands of people will be saved for the first time and come into the kingdom of God. Lekin usi samay mein hazaron hazaron aise log honge jo udhar mein aayenge, pehli baar udhar mein aayenge aur prabhu mein wo udhar payenge. But there is one difference. Lekin ek farak hoga. It does not include any who have been hearing and hearing and hearing and the prompting of the pastors to be right and all that, and yet people reject these teachings and continue to live their own. Lekin ek baat yaad rakhe ki un logon mein se wo log shamil nahi honge जो बार बार इस सुसमाचार को सुनते गए, बार बार प्रचारकों ने उनको सुनाया है, लेकिन हमेशा वो इस सुसमाचार को तिरस्कार करते रहे. So it is not for you, for such people. So ऐसे लोगों के लिए नहीं है.
So take note of it. So इस बात का ध्यान रखें. And the second sign is. और दूसरा चिन्ह ये है. The love of many shall grow cold. बहुतों का प्रेम जो प्रभु के लिए है वो ठंडा पड़ जाएगा. How is your love? आपका प्रेम कैसा है? Is it as hot as when you first came to the Lord? क्या आपका प्रेम जो है उतना ही है जितना जब आप पहली बार परमेश्वर को ग्रहण किया आप प्रभु के पास आए? Is it not true that you don't have that kind of enthusiasm about the church and about the things of God? क्या ये सत्य नहीं है कि आज के दिन उतना उत्तेजना और जोश नहीं पाया जाता है जितना कि वो पहले समय हमने हमारे अंदर था? And you come to church on Sunday morning and that is all the time you give to God. और हम कलीसिया में रविवार के सुबह आते हैं और जितना समय बिताते हैं उतना ही समय हम प्रभु को देते हैं. If we call a midweek service of prayer. अगर हम हफ्ते के बीच में एक दिन प्रार्थना के लिए आपको बुलाएं, How many come? कितने लोग आते हैं? Hardly 10 people. मुश्किल से 10 लोग आएंगे. If 10 are there, praise the Lord. अगर 10 लोग भी हैं परमेश्वर की स्तुति हो. Why is it? ऐसा क्यों है? Check your love. Why do you come to church? अपने प्रेम को जांचे आप कलीसिया में क्यों आते हैं? What is your relationship with the Lord Jesus Christ? आपका संबंध रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है, क्या है? The respect and honor you give to the Bible. और जो आदर और प्रेम आप इस वचन को देते हैं. Your love for Jesus also will be measured by your respect and honor of the Bible. आपका प्रेम और जो आदर प्रभु यीशु मसीह के लिए है उसी माप से होगा जितना आप इस वचन को देते हैं. And so we need to be examining ourselves often. So इसलिए हमें बार बार अपने आप को जांचना है. Where do we stand? कि हम कहां पर पाए जाते हैं हमारे विश्वास में. And so in the month of July, from the first week, we'll have Bible study restarted again. So याद रखें, जुलाई महीने से हम अपने बाइबल अध्ययन जो हर बुधवार को होया करता था हम उसको फिर से शुरू करेंगे. On every Wednesday. हर बुधवार को. And it is my prayer that you will take a real interest and take time and be present. और मेरी प्रार्थना यही है कि आप इसको रुचि से लेंगे और आप प्रार्थना के साथ आप इसमें आएंगे. Don't let your love grow cold. ऐसा ना होने पाए कि आपका प्रेम प्रभु के लिए ठंडा पड़ जाए. Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाए. And let the Holy Spirit living in you keep increasing your love for Jesus. और होने पाए कि जो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है आपके अंदर वो उस प्रेम को बढ़ाने पाए. Shall we turn to that passage we read last Sunday? आइए हम उस भाग को खोलेंगे जो पिछले रविवार को हम पढ़े थे. And I am not going to describe too much. और ज्यादा विस्तार में मैं नहीं बताऊंगा. Pastor Sami said, you know, but by 12 o'clock next Sunday onward, we'll finish. और Pastor Sami ने जैसे बोला हम कोशिश करेंगे कि अगले रविवार से 12 बजे हम खत्म करेंगे. What are we saying? Lord, if you want to do something in our midst and my life, do it before 12 o'clock next Sunday. और हम प्रभु को बोल रहे हैं कि प्रभु अगर आप हमारे जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो 12 बजे से पहले कीजिएगा. After that I won't be available. उसके बाद मैं नहीं रहूंगा. That's what we are saying. There was a time when there was no limit to time. एक समय ऐसे था जब समय का कोई पाबंदी नहीं था. Do you know there was a time in this church when the church began to grow and when the church began to be fully alive
और एक समय ऐसे था जब ये कलीसिया बढ़ रहा था और बहुत जीवन से भरा हुआ था। I was also completely under the control of the Holy Spirit. और मैं भी पूरे पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में था। You know, believers used to run and come. हमारे विश्वासी जो है वो दौड़ के आते थे। So that they will not miss the worship. ताकि वे आराधना को से चूक नहीं जाएंगे। And then sometimes I will preach first before the worship. और कभी कभी ऐसे होता था कि रविवार के दिन आराधना से पहले मैं प्रचार करता था। So the believers did not know what pastor is going to do first. So विश्वासी ये नहीं जानते थे कि पहले क्या होगा, आराधना होगा या प्रचार होगा। They didn't want to miss the worship. वो आराधना को खोना नहीं चाहते थे। They didn't want to miss the और वो वचन खोना नहीं चाहते थे। So they will come running. So वो दौड़ते आते थे। अरे चलो रन, अरे जल्दी चलो, समय से पहुंचना है। We don't know what pastor is going to do first. हम नहीं जानते कि पासवान पहले क्या करेंगे। So I am asking the Holy Spirit to guide me and direct me in the ways that He wants me to do. So मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो मेरी अगुवाई करे ताकि जो वो चाहते हैं वो अपने कार्य को करें। So sometimes it will be the preaching. I preach whether Only five people are here, three people are here, I start preaching. So, मैं प्रचार करने शुरू करता हूँ, चाहे तीन लोग हो या पांच लोग हो। And I was not mindful of the crowd. और मैं कितने लोग हैं, मैं उससे प्रभावित नहीं होता था। We must be people of that kind. और हमें ऐसे ही लोग होना चाहिए। Sunday means it is our Sabbath day. और रविवार का दिन मतलब ये हमारा शपथ का दिन है। The whole day is to be given to और पूरा दिन जो है ये प्रभु का है। I am not scaring you. मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। But you know, we should be open-hearted and desirous of God's move amongst us. लेकिन हमें खुले दिल के होने चाहिए और इच्छुक होना चाहिए कि परमेश्वर अपने चलन को हमारे जीवन में करें। We must see people coming sick, going back, rejoicing and praising God because they are healed. और हमारे मध्य में ऐसे होना चाहिए कि लोग बीमार आ रहे हैं और पूरे चंगाई के साथ प्राप्त करते हुए वो जाएं। Amen. Amen. How many of you would like to see that? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे देखें? People will carry the patients and bring them into the church. और लोग जो मरीज हैं उनको लेकर आए और इस कलीसिया में। And as the church begins to worship. और जैसे जैसे कलीसिया प्रार्थना करने लगेंगे, आराधना करने लगेंगे। In the midst of such worship. There will be healing and deliverance. ऐसे सामर्थी आराधना में चंगाई भी होगा, छुटकारा भी होगा। You like to see it happen? क्या आप देखना चाहते हैं? Without any preaching. और बिना किसी प्रचार के। Because God dwells among the praises of God's people. क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के स्तुति और प्रशंसा में वास करते हैं। And where God is. और जहाँ पर प्रभु है। Anything can happen. कुछ भी हो सकता है। Do you want God to be present in our midst? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित रहे? He has chosen us for what? परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? Let us read this passage. आइए हम इस भाग को पढ़ेंगे। Read it. 2:14-2. व्यवस्था विवरण 14 उसका दूसरा अध्याय दूसरा पद 14 अध्याय दूसरा पद। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और हम लोग क्या है? God is speaking to the people of Israel. परमेश्वर अपने लोग इसराइल लोगों से बातें कर रहे हैं। Is there any difference today? क्या आज कोई फर्क है? We are the new Israel. हम नए इसराइली लोग हैं। Hallelujah. Hallelujah. And God says about His church. और परमेश्वर अपने कलीसिया के विषय में बता रहे हैं। You are a holy people. कि हम एक पवित्र लोग हैं। Amen. Amen. सब लोग बते हम एक पवित्र लोग हैं।
मैं एक पवित्र आदमी है और पवित्र स्त्री है, क्या महिला, जो कुछ Those of us who are in Jesus Christ, हम में से जो लोग प्रभु में हैं, we are holy people. हम पवित्र जन हैं. Amen. Amen. That's what God makes us to be. और परमेश्वर ने हमें ऐसे ही पवित्र जन बनाया है. And the only thing that can make us holy and spotless is the blood of Jesus Christ. और सिर्फ एक ही चीज है जो हमें पवित्र बनाती है, वो यीशु मसीह का लहू है. That's why he went to the cross and shed his blood. और इसलिए यीशु मसीह उस क्रूस पर गया, अपने लहू को बहाया. To make you holy. आपको पवित्र बनाने के लिए. To make all of us holy. हम में से हर एक व्यक्ति को पवित्र बनाने के लिए. We are पवित्र people. हम पवित्र समाज है. Hallelujah. Hallelujah. पवित्र लोगों का सभा है ये. इधर और कुछ नहीं होना है. एंड देन और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है. चुन लिया है. आप कौन है? चुने हुए लोग. मैं एक्सक्यूज मी चुना हुआ क्या इंसान हूं. कैन यू ऑल से कॉन्फिडेंटली, क्या हम सब इसको बोल सकते हैं? यू आर नॉट अ क्रिश्चियन और अ बिलीवर इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बिकॉज यू आर बोर्न इन अ क्रिश्चियन होम. आप एक ईसाई या एक विश्वासी इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक ईसाई परिवार में जन्मे हैं. यू आर नॉट अ क्रिश्चियन सिंपली बिकॉज यू हैव अ क्रिश्चियन नेम. और आप ईसाई इसलिए नहीं है क्योंकि आपका नाम एक ईसाई नाम है. यू आर नॉट अ क्रिश्चियन सिंपली बिकॉज यू गो टू चर्च. आप ईसाई इसलिए नहीं है क्योंकि आप कलीसिया में आते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या आप समझ रहे हैं? यू हैव टू बी चोसन, हमें चुने जाना है टू बिलोंग टू गॉड, कि हम प्रभु के बन जाएं. आई हैव टू बी चोसन, हमें चुने जाना है. आई वॉज बोर्न इन ए पेंटिकॉस्टल फैमिली, असेंबलीज ऑफ गॉड फैमिली. और मेरा जन्म एक पेंटिकॉस्टल परिवार में, एक असेंबली ऑफ गॉड के परिवार में जन्म हुआ. बट फॉर द फर्स्ट 10 years ऑफ माई लाइफ I did not belong to Jesus. लेकिन मेरे जीवन के पहले 10 वर्ष मैं प्रभु यीशु मसीह का नहीं था. I was not a Christian. मैं एक मसीह नहीं था. But the age of 10. लेकिन जब मैं 10 वर्ष का हुआ. The mercy and grace of God has appeared to me. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर आया. And I surrendered my life to the Lordship. और मैंने अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दिया. And He has chosen me. और यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया. To be His person, ताकि मैं परमेश्वर का संपत्ति बन सकूं. You have to be chosen. आपको चुने जाना चाहिए. You cannot be born as a Christian. आप एक मसीह के तरह आप जन्म नहीं ले सकते हैं. You may be born in a Christian. और हो सकता है आप मसीह परिवार में जन्म लिया हो. Remember this. लेकिन याद रखें. God does not have grandchildren. परमेश्वर के कोई नाती पोते नहीं हैं. My daddy is a Pentecostal man filled with the Holy Spirit. मेरे पिता एक पेंटिकॉस्टल आदमी है, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं. So I will go to heaven. So मैं स्वर्ग चले जाऊंगा. Why? क्यों? Because my daddy. I will go through daddy. क्योंकि मैं पिता के द्वारा जाऊंगा. मेरे पिताजी पेंटिकॉस्टल हैं. It will not happen that way. लेकिन ऐसा नहीं होगा. You are chosen. आपको चुन लिया जाएगा. That is my subject. यही मेरा विषय है. God's people are set to be a number one, a chosen people. परमेश्वर के लोग को चुना जाता है. Amen. Amen. As you are chosen by the Lord. और जैसे कि आप परमेश्वर द्वारा चुने जाते हैं. You are given a new name. आपको एक नया नाम दिया जाता है. That name is written in. और वो नाम जो है वो स्वर्ग में लिखा गया है. In God's book. परमेश्वर के पुस्तक में लिखा गया है. Do you know there is a book in heaven?
क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग में एक पुस्तक है? By the way, there are number of books in heaven. और स्वर्ग में कई सारे किताब हैं. And in one of those books, उनमें से एक किताब में, it's called the book of life. वो जीवन का जो पुस्तक है. Hallelujah. Hallelujah. And your name must be written in the book of life in heaven. और ये जरूरी है कि आपका नाम उस पुस्तक में लिखा जाए. That's what the Bible says. Jesus said it. और यही यीशु मसीह ने कहा. The book of Revelation says it. और प्रकाशित वाक्य में लिखा है. Throughout the New Testament it says. पूरे नए नियम में लिखा है. Your name must be written in the Lamb's book. ये जरूरी है कि मेमने के पुस्तक में आपका नाम लिखा गया हो. Hallelujah. Are you sure your name is in the book of life? क्या आप निश्चय हैं कि आपका नाम उस पुस्तक में लिखा गया है? Are you sure? क्या आप निश्चय हैं? When do we write our name? हम अपने नाम को कब लिखते हैं? In our family record. अपने परिवार के जो सूची है उसमें. The day you are born. जिस दिन हम पैदा होते हैं. And your name. हमारा नाम लिख लिया. And the date in which you live. और वो तारीख को लिख दिया जाता है. That's how I know my birthday. और ऐसे ही हम अपने जन्मदिन को जानते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Many of you know my birthday. आप में से बहुत लोग मेरे जन्मदिन को जानते हैं. How many of you don't know? आप में से कितने लोग नहीं जानते हैं? Most of you know. ज्यादातर लोग जानते हैं. That is my birthday. वो मेरा जन्मदिन है. But then I had a second birthday. लेकिन फिर एक दूसरा जन्मदिन है. When I was spiritually born. जब मैं आत्मिक रीति से मेरा पैदाइश हुआ. In God's family. प्रभु के परिवार में. And when that happened. और जब वो हुआ. My name also is entered into heaven's book of life. उस दिन मेरा नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिखा गया. My father in heaven will write. मेरा स्वर्गीय पिता उस नाम को लिखेगा. Blessed are those whose names were written in the Lamb's book of life. और धन्य है वो जिनका नाम उस मेमने के पुस्तक में लिखा गया है. Is there anyone who is listening to me this morning? और आज की सुबह अगर कोई भी ऐसा है जो मेरे आवाज को सुन रहा है. If you did not know that there is a book in heaven in which your name will be entered the day you are born again. और अगर आप नहीं जानते थे कि जिस दिन आपने नया जन्म को पाया आपका नाम उस पुस्तक में लिखा गया है. Thus you are chosen. और इस प्रकार आपको चुन लिया जाता है. When you acknowledge Christ as your Lord and Savior. जब आप यीशु मसीह को अपने उद्धार करता और प्रभु मान लेते हैं. You are chosen. आपको चुन लिया जाता है. You are a chosen people. आप एक चुने हुए व्यक्ति हैं. In 1 Peter chapter 2 verse 9. पहला पत्रस दूसरे अध्याय उसके नवे पद में. Somebody please, you know, I want some one of you who has a Hindi Bible to open the scriptures even before I complete my reference. You know, that's the way we have a children, Sunday school children, sitting in the service. Before you finish mentioning the book and chapter, the children will find it and read it. और हमारे देश में जो है कलीसिया में जो छोटे बच्चे हैं इससे पहले कि प्रचारक उस किताब का नाम ले वो किताब खोल देते हैं और वचन को पढ़ लेते हैं. Sometimes I wonder how they do it. और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये लोग कैसे करते हैं इतना जल्दी. So fast. इतना जल्दी खोल देते हैं. Even before I finish the last word, the boy or girl start reading. और इससे पहले कि मैं वो पद बताऊं वो पढ़ना शुरू कर देते हैं. So I want someone to read the scriptures for me. और इसलिए कोई इन वचनों को पढ़ दे हिंदी में. 1 Peter chapter 2. पहला पत्रस दूसरा अध्याय नवा पद. Verse 9. हाँ पढ़िए. Okay, now daughter, you also read because she already had it and she wanted to read. Then our brother started reading it. Praise the Lord for that. And you also read one more time, loud. You are to be chosen. और आपके आपको चुने जाना है.
for your name to be entered into the Lamb's book of life. ताकि आपका नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखा जाए. And no one whose name is not entered into that book can ever enter into the kingdom. और अगर कोई व्यक्ति है जिनका नाम उस पुस्तक में नहीं लिखा है तो वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा. There are many who are preachers. ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रचारक हैं. There are many who are miracle workers. ऐसे बहुत हैं जो चमत्कार भी करते हैं. There are many who are great teachers. ऐसे बहुत हैं जो बड़े-बड़े शिक्षक हैं. But many of them will be missing their name. लेकिन उनमें से भी बहुत के नाम उस पुस्तक में नहीं पाया जाएगा. And such people also will cry out. और ऐसे लोग भी पुकारेंगे. Lord, प्रभु, open the gate for us. हमारे लिए उस द्वार को खोल दे. Only one answer will come from inside. लेकिन अंदर से एक ही जवाब आएगा. I don't know you. मैं तुझे नहीं जानता. Why? क्यों? It is not only that you receive a new life. और ये सिर्फ इतना नहीं कि आप एक नए जन्म को पाएं. But you must maintain that life and continues to grow and be strong in that life. लेकिन ये जरूरी है कि उस नए जीवन में आप उसको प्रतिदिन बना के रखे और उस जीवन में और आप बढ़ने पाए. एंड कमिंग टुगेदर टू वर्शिप एंड हियर द वर्ड ऑफ गॉड इज वन सच थिंग्स दैट विल हेल्प यू टू ग्रो. और ऐसे इकट्ठे होना परमेश्वर के वचन को सुनना ये मदद करेगा आपको परमेश्वर में बढ़ने के लिए. सो व्हाट आर वी? सो हम क्या है? वी आर chosen people. हम एक चुने हुए वंश हैं. We are a chosen पवित्र लोग. हम चुने हुए पवित्र लोग हैं. Come on, shout it. Amen. चुना हुआ पवित्र लोग हैं. Praise the Lord. Secondly, दूसरी बात. We are a people chosen by whom? हाँ, और हमें किसके द्वारा चुना गया है? By the Lord. प्रभु ने हमें चुना है. Who is our Lord? हमारा प्रभु कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह. By the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा. We are chosen by the Lord. हम प्रभु के द्वारा चुने गए हैं. Not ordinary. और साधारण नहीं. Who is he? वो कौन है? He is the King of all kings. वो राजाओं का राजा है. Lord of all lords. प्रभुओं का प्रभु है. He is the eternal God. अनंत काल का परमेश्वर है. He is the creator. वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है. He is the life giver. और जीवन देने वाला प्रभु है. He is our savior. वो हमारा उद्धार करता है. Hallelujah. Hallelujah. He is the almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर. Your breath is in his hand. आपका सांस जो है उसके हाथों में है. Your time is in his hand. आपका He controls, आपका समय उसके हाथ में है. He controls the universe. और पूरे भूमंडल को वो नियंत्रण में रखता है. Amen. Who can describe him? और कौन उसका वर्णन कर सकता Who है? Who can fully understand? और कौन उसको समझ सकता है? It is beyond our understanding. ये हमारे समझ से परे है. This mighty God. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर. The eternal God. अनंत काल का परमेश्वर. The beginning and the end. जो आदि और अंत है. The first and the last. जो शुरू का है और अंत का है. Hallelujah. Hallelujah. He is the one who has chosen you. वही है जिन्होंने आपको चुना है. Amen. Amen. हेलो, हाउ अबाउट ऑल ऑफ यू सीटेड देयर? जो लोग पीछे बैठे हैं, आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? शाउट देयर, आप चिल्लाएं, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड. ओनली दोस हु आर सिटिंग अपस्टेयर्स. और सिर्फ जो लोग ऊपर बैठे हैं. बिकॉज़ इफ द लॉर्ड कम्स नाउ, क्योंकि अगर प्रभु आज अभी इस समय आएंगे, यू विल बी द फर्स्ट वन टू, आप पहले चले जाएंगे. And if you have that expectation, अगर आपकी आशा यही है, lift up your hands, my brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों अपने हाथों को उठाएं. And shout hallelujah. और चिल्लाएं hallelujah. This is the Lord. यही प्रभु है. And he is the only God. और वही एक परमेश्वर है. He is eternal. वो अनंत काल का है. He has no beginning and the end. उसका कोई शुरू या अंत नहीं है. Everything begins with him. और हर एक बात प्रभु से शुरू होते हैं. We are chosen by the Lord. हम प्रभु के द्वारा चुने गए हैं. Thirdly. तीसरी बात. We are a people chosen to be holy. और हम ऐसे लोग चुने गए हैं ताकि हम पवित्र बने. I wish all our worship leaders were here sitting.
और काश कि हमारे आराधना का जो दल है वो यहाँ बैठे होते। I want the young people to hear this. और मैं चाहता हूँ कि जवान लोग इस बात को सुने। And what they needed to hear. और उनको क्या सुनना है? They are out. वे बाहर हैं। So when you see them, you tell them. जब आप उनसे मिलेंगे आप कहें। आप जानते हैं आप कौन हैं? आप जानते हैं आप कौन हैं? मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मैं फेबी मथाई हूं, लेकिन ये मैं नहीं पूछ रहा हूं। प्रभु के संग जो रिश्ता है आपका, मैं चुना गया हूं प्रभु के द्वारा किस कार्य के लिए, ताकि मैं पवित्र बनूं। हर एक जन कहे मैं, मुझे चुना गया है पवित्र बनने के लिए, मैं चुना गया पवित्र बनने के लिए, मैं चुना गया पवित्र बनने के लिए। यही परमेश्वर का उद्देश्य है आपके जीवन के लिए, ताकि आप पवित्र बने और इस बात को आप खोए ना। और यही बात हमने पत्रस के पत्री में देखा है, हम चुने गए हैं ताकि हम पवित्र बन जाएं, ताकि हम अलौकिक बन जाएं। आइए हम आगे बढ़ेंगे। पवित्र क्या है? Holy is we are separated from everything that is common. और हम ऐसे चीजों से हम अलग किए गए हैं जो आम बातें हैं, to belong to God. ताकि हम परमेश्वर के बन जाएं. You belong to God. आप परमेश्वर के बन जाएं. Come on, say it. इस बात को कहे, I belong to God. मैं परमेश्वर का हूं। If I call God my father, अगर मैं परमेश्वर को अपने पिता करके पुकारता हूँ, this father is holy, और ये पिता जो है वो पवित्र है, it is the desire of our heavenly father for his children to be holy. ये तो फिर ये पिता परमेश्वर की इच्छा है कि उनके पुत्र भी पवित्र बन जाए। Separated everything that is common. और वो सारे बातों को अलग कर दे जो आम बातें हैं। Separated everything that is unacceptable to God. और उन सारे बातों को अलग कर दे जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। We are not like others. हम दूसरे के समान नहीं है। We are different. हम फर्क लोग हैं। We are a worshipper of a holy God. हम एक पवित्र परमेश्वर के आराधक हैं। And as such, और ऐसे Psalm number 1 you read. भजन संहिता एक आप पढ़ें। We have no time. इस समय नहीं पढ़ेंगे। Because I want to close very fast. क्योंकि मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। But remember to read that at home. लेकिन घर में आप इसे जरूर पढ़ लें। Seriously. गंभीरता से। all the young and elderly and fathers, mothers and हर एक व्यक्ति, चाहे छोटे बच्चे हो या माता पिता हो या बुजुर्ग लोग हो, there it is described. वहां पर वर्णन किया गया है। And it is for such chosen people who are to be holy. और ऐसे चुने हुए लोगों के लिए जो पवित्र बन जाते हैं, इट इज फॉर सच पीपल जीसस क्राइस्ट इज कमिंग, और ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम, परमेश्वर का राज्य ऐसे लोगों के लिए होगा, लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, एक छोटे बच्चे के समान। हालेलुया, हालेलुया। ओ व्हेन यू आर होली, जब आप पवित्र बन जाते हैं, You are separated from the common. तो फिर आप आम चीजों से अलग हो जाते हैं। You are different. आप फिर भिन्न हो जाते हैं। God must look on you. परमेश्वर फिर आपके ऊपर देखते हैं। And see the reflection of Jesus Christ, His Son. और फिर यीशु मसीह के परछाई को आपके अंदर देखते हैं। Your speech.
आपका जो बोलचाल बोली है, योर लाइफ, आपका जो जीवन शैली है, लव, आपका जो प्रेम है, एंड योर फेथ, आपका जो विश्वास है, एंड योर प्यूरिटी, और आपका जो शुद्धता है, एवरीथिंग वर्किंग टुगेदर, हर एक बात एक साथ कार्य करते हुए, यू बिकम अ रिफ्लेक्शन, वो एक परछाई बन जाता है. यू नो व्हेन यू हैव अ कार, यू आर अ मोटरसाइकिल, यू नो इन द बिगिनिंग द लाइट इज वेरी ब्राइट. और अगर आप कोई गाड़ी ले, कोई कार या मोटरसाइकिल, शुरुआत में उसका जो लाइट का रोशनी होता है वो बहुत तेज होता है. What gives the light? The bulb may be very small, but the light is very bright. You can see the whole in the darkness. और वो बल्ब छोटा होता है, लेकिन जब रोशनी देती है तो बहुत ज़्यादा रोशनी मिलता है. और इतना ज़्यादा ज्योति कैसे आती है? क्योंकि जहाँ वो बल्ब रखा गया है उसके चारों ओर एक वो रिफ्लेक्टर रखा गया है. और उस रिफ्लेक्टर के बीच में उस बल्ब को लगाया जाता है और उसको तार से जोड़ा जाता है. और जब वो स्विच आप ऑन करते हैं, बल्ब ऑन हो जाता है, तो उस बल्ब के चारों ओर जो रिफ्लेक्टर है वो मदद करता है कि उस रोशनी को और तेज कर दे. लेकिन जब वो रिफ्लेक्टर जो है वो पुराना हो जाता है और जंग खा जाता है, तो फिर वो रोशनी जो है वो कम हो जाता है. राइट, सही बात. And I think that is what is happening to us Christian today. और मैं सोचता हूँ कि हम मसीहों के संग आज यही हो रहा है. There is a reflector in those who belong to Jesus Christ. जो लोग यीशु मसीह के हैं, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा, and the Word of God, और परमेश्वर का वचन, these things will enable us to understand what makes us holy. और ये सारी बातें जो है ये रिफ्लेक्टर के समान है जो हमें समझ देता है कि हम पवित्र कैसे बने. And when we don't practice it, और जब हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं, naturally we will not be holy. तो फिर हम पवित्र नहीं बनेंगे. Let it not happen to us. लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए. We are the reflectors. क्योंकि हम वो रिफ्लेक्टर हैं. I must be a reflector of the light. Of that's how we are the lights of the world. और इसी प्रकार हम जगत के ज्योति बनते हैं. Like the moon reflects the sunlight. And they give us light in the night. और जिस प्रकार वो चांद जो है वो सूर्य का रोशनी लेकर हमारे ऊपर चमकता है. And that is what God the Father wants us to be. और यही बात परमेश्वर पिता हमसे चाहते हैं. He wants us to be reflections of His Son Jesus Christ. वो चाहते हैं कि हम उसके उनके पुत्र यीशु मसीह के को दर्शाएं. I am a reflection of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के परछाई हैं. That is God's desire. And everything you need to be an effective reflection is given to you. और हर एक वो बात जो हमें ताकत देता है, वो हमें एक प्रभावित बनाता है कि हम उसका प्रतिबिंब बने, वो हमें दिया गया है. He has Jesus in you. यीशु मसीह हमारे अंदर है. The Holy Spirit is given to you. पवित्र आत्मा हमें दिया गया है. And the Word of God is given to you. और परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है. The grace of God is there. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है. And His own presence is with you. और उसकी उपस्थिति हमारे संग है. The grace of God enables you to be like Jesus. और परमेश्वर का अनुग्रह हमें योग्य बनाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएं. All these helps are available to you. और ये सारे सहायता हमारे पास उपलब्ध है. You don't lack anything. हमारे पास कोई कमी नहीं है. Is our problem? लेकिन हमारी समस्या क्या है? We neglect them. हम उसको तिरस्कार करते हैं. The Holy Spirit is there. पवित्र आत्मा वहाँ पर मौजूद है. But we don't depend on them. लेकिन हम उस पर निर्भर नहीं करते हैं. Jesus is in you. यीशु मसीह हमारे अंदर है. And the Bible says in 1 John. और बाइबल बताती है पहले यूहन्ना में. He who is within me is greater than he that is in the जो मेरे अंदर है वो उससे ज्यादा ताकतवर है जो इस संसार में है. Jesus is greater than all the devil.
यीशु मसीह सारे शैतानों से बढ़कर शक्तिशाली और the demons, और सारे दुष्ट आत्माओं के ऊपर सारे दुष्ट के ताकतों के ऊपर यीशु मसीह ने हर एक का सामना करके उनको हरा दिया. हालेलुया हालेलुया. दैट्स यू हैव ऑल दैट. आपके पास ये सब उपलब्ध है. So you have no excuse. So इसलिए हमारे पास अब कोई बहाना नहीं है. I have no excuse. मेरे पास कोई बहाना नहीं रह गया है. Well, let us depend on the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होने पाए. Let us practice the presence of the Holy Spirit. परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास हम करें. Let us practice the presence of the risen Lord Jesus. और जी उठे प्रभु का हम अभ्यास करें. Hallelujah. Hallelujah. By reading the Word of God. और जबकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं. And meditating on it. और उस पर मनन करते हैं. Hope. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. So we are chosen for what? So हम किस कारण के लिए चुने गए हैं? To be holy. ताकि हम पवित्र बन जाएं. We are chosen by the Lord Himself. हम प्रभु के द्वारा चुने गए हैं. And we are chosen to be holy. और हम पवित्र बनने के लिए चुने गए हैं. And according to Peter. और पत्रस के अनुसार. We are a people chosen to be peculiar. और हम चुने गए हैं ताकि हम अनोखे बन जाएं. अनोखे. अनोखे बन जाएं. Do you mind to be aloke? क्या आप चाहते हैं कि आप अनोखे बने? We don't want to be peculiar, do we? हम अनोखे बनना तो नहीं चाहते हैं. That's our problem. यही हमारी समस्या है. In this world, we want to be like anybody else. इस संसार में हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं. You ask young people, why do you dress up like this? आप जवानों से पूछे इस तरह के वस्त्र क्यों पहनते हैं? How can I look odd when I? अरे हम दूसरों के तरह हम उससे फर्क कैसे दिखें? I will look very peculiar. हम बिल्कुल अनोखे लगेंगे. I don't want that. ले हम नहीं चाहते हैं. Then don't expect God to admit you into His home. तो फिर आप परमेश्वर से आशा ना रखें कि परमेश्वर आपको ग्रहण करेंगे. Because heaven is meant for such people who are willing to be peculiar in this world. क्योंकि स्वर्ग जो है ऐसे लोगों के लिए है जो तैयार रहते हैं इस संसार में अनोखे बनने के लिए. What is peculiar mean? इसका अर्थ क्या है? Peculiar means different from others. इसका अर्थ यही है कि हम दूसरों से अलग हो जाएं. इन आवर ड्रेसिंग अप. हमारे वस्त्र पहनने में. इन आवर वॉक. हमारे चाल चलन में. इन आवर लैंग्वेज. हमारे भाषा में. एंड इन आवर इंटरेस्ट. और हमारे रुचि में. Somebody said, किसी ने कहा, यू शो मी योर हु इज योर फ्रेंड आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. किसी ने कहा कि तुम मुझे दिखाओ तुम्हारा मित्र कौन है और मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कैसे व्यक्ति हो. The friends whom you keep. और जिन मित्रों को आप अपने चारों ओर रखते हैं. Everything is peculiar. सब कुछ अनोखा है. And the young other your friends may make joke of you. और हो सकता है आपके मित्र आपका हंसी मजाक उड़ाएं. Let them joke. और वो आपका मजाक उठाने पाए. Never be ashamed to be peculiar for Jesus. लेकिन कभी भी लज्जाए नहीं ताकि आप यीशु मसीह के लिए अनोखे बने. You are chosen to be peculiar. क्योंकि आपको चुना गया है कि आप अलग रहें. I am chosen to be peculiar. मुझे चुना गया है कि मैं अलग बन जाऊं. Hallelujah. Hallelujah. Are you willing to be peculiar? क्या आप तैयार हैं अनोखे बनने के लिए? Heaven Amen. Is such for peculiar people. They separated themselves from everything that is unholy and untruth and everything that makes you a decent person, everything indecent. You are chosen to be peculiar. और हर एक बातों से आप अलग किए जाते हैं और अपवित्र बातों से आप अलग हो जाते हैं ताकि आप चुने हुए व्यक्ति बन जाएं और पवित्र व्यक्ति बन जाएं. Fifthly, पांचवी बात. We are a people chosen unto himself. और हमें चुना गया है परमेश्वर के लिए. For whom you are chosen? किसके लिए चुने गए हैं? Amen. Amen. Say it loud. जोर से बोलें. I
I am chosen. मैं चुना गया हूँ. Unto Himself. परमेश्वर के लिए. For God's own pleasure. परमेश्वर के आनंद के लिए. For God's own joy. परमेश्वर के खुशी के लिए. Hallelujah. Hallelujah. He has chosen you who are a sinner and who are ugly and who are everything dirty, but God has chosen you, cleansed you. परमेश्वर ने आपको चुना है. आप पापी थे, गंदे थे और वो सारी बातें थे जो अपवित्र थे. I made you beautiful. लेकिन आपको सुंदर बनाया और पवित्र बनाया. Fit to live with this holy God. और आपको योग्य बनाया कि आप इस पवित्र परमेश्वर के संग रहे. Forever and ever and ever. हमेशा 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 के लिए. Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? You are chosen for himself. परमेश्वर ने आपको अपने लिए चुना. Why? है क्यों? He is the bright and morning star. क्योंकि वही वो भोर का तारा है. He is the eternal God. और वही अनंत काल का प्रभु है. And only by trusting him you receive eternal life and live eternally with God. और सिर्फ उसी के ऊपर भरोसा रखते हुए आप अनंत जीवन को पा सकते हैं और बहुतायत के जीवन को. You have to be a worthy person. A worthy person. एक योग्य व्यक्ति. Don't live such an unworthy life. एक अयोग्य जीवन को ना बिताएं. When people make fun of you in this world. जब लोग इस संसार में आपका मजाक उठाते हैं. They don't know what they are doing. वे नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं. We are living in such a time. हम ऐसे एक समय में जी रहे हैं. There is sin increasing like anything. पाप जो है बहुतायत से बढ़ रहा है. Such increasing sin. और ऐसे पाप का जो तेजी से बढ़ रहा है. What does it show? ये क्या दिखाती है? End is at कि अंत का समय बहुत निकट है. Let us be prepared. हम तैयार रहे. Hallelujah. Hallelujah. We are a people chosen above all. हम एक ऐसे लोग हैं जो सारे बातों से ऊपर चुने गए हैं. हालेलुया. He has chosen us to be above all. परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम सारे बातों से ऊपर हम रहें. We are people above this world. इस संसार से ऊपर रहें. Our citizenship is not here on. हमारा नागरिकता जो है वो इस संसार का नहीं है. Our citizenship is in the heaven. हमारा नागरिकता जो है वो स्वर्ग में है. From where we are expecting Jesus Christ, the King of Kings. और जहां से हम यीशु मसीह की आशा रख रहे हैं जो राजाओं का राजा है. Hallelujah. And that is going to happen very soon. और ये बहुत जल्द होने वाला है. Let us be ready. हम तैयार रहे. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. And then seventhly. और फिर सातवीं बात. A chosen people for a purpose. एक चुने हुए लोग एक उद्देश्य के लिए. You are chosen for a divine purpose. आप चुने गए हैं एक दैवीय उद्देश्य के लिए. The rest of the things I will speak next Sunday. और बाकी की बातें मैं अगले रविवार को बताऊंगा. प्लीज रिमाइंड मी. मुझे याद दिलाएं. बिकॉज़ देयर आर टू थ्री थिंग्स मोर. क्योंकि दो तीन बातें और हैं. देन आई विल कंक्लूड. और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा. यू नीड टू नो हु यू आर. आपको जानना चाहिए कि आप कौन हैं. यू आर नॉट ऑर्डिनरी. आप साधारण लोग नहीं हैं. यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. आप अनौखिक लोग हैं. चोसन बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरनैचुरल गॉड. और एक ऐसे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर से के द्वारा चुने गए हैं. यू फॉर हिमसेल्फ. जिन्होंने चुना है आपको अपने लिए. नॉट फॉर एनी डिनोमिनेशन. और किसी डिनोमिनेशन के लिए नहीं. You are not chosen for assemblies of God. आपको चुना गया इसलिए नहीं असेंबली ऑफ गॉड के लिए. You are not chosen for CNI. आपको CNI के लिए नहीं चुना गया है. You are not chosen for Methodist. Methodist के लिए नहीं चुना गया है. You are not chosen by Baptist. Baptist के लिए नहीं चुना गया है. You are chosen for God. लेकिन आपको परमेश्वर के लिए चुना गया है. Hallelujah. Hallelujah. He is above all. वो ही सर्वश्रेष्ठ है. He is over all. वो हर एक बातों से परे है. Hallelujah. He is the eternal God. Let us all stand in the presence of God. Yes. आइए हम सब खड़े हो जाएं. Praise the name of the Lord. परमेश्वर का नाम धन्य हो. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to go home? क्या आप तैयार हैं घर जाने के लिए? Your nice lunch is waiting for you. जहाँ अच्छा भोजन इंतजार कर रहा है आपका. Praise God. God bless you all. परमेश्वर आप सबो को आशीष दे. Lift up our hands. आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं. Don't forget these things. इन बातों को भूले ना. As you go, you keep on saying, repeating that every time you remember, I am chosen.
और जबकि आप जाते हैं हमेशा इस बात को दोहराते रहे कि मैं चुना गया हूँ। I am chosen by God Himself. मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूँ। He has chosen me to be special. परमेश्वर ने मुझे चुना है कि मैं विशेष बनूं। I am chosen to be His own. मैं चुना गया हूँ कि मैं प्रभु का बन जाऊं। I am chosen to be a reflection of Jesus Christ. और मैं चुना गया हूँ कि मैं प्रभु का परछाई बनूं। I am chosen to be a holy people. और मैं चुना गया हूँ एक पवित्र जन बनने के लिए। I am chosen to be holy. मैं चुना गया हूँ पवित्र बनने के लिए। Separated from the things of this world. और इन संसार के बातों से अलग किए गया हूँ। I am separated from the things of this world. इस संसार के वस्तुओं से मैं अलग किए गया हूँ। To belong to heaven. और ताकि मैं स्वर्ग का बन जाऊं। And God Almighty is my heavenly Father. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा स्वर्गीय पिता है। And I am going to spend my eternity with this God. और मैं अपने अनंत काल के जीवन को इस प्रभु के संग बिताऊंगा। I live for that. मैं इसी के लिए जी रहा हूं। And therefore I am not ashamed. और इसलिए मैं लज्जाता नहीं हूं। Apostle Paul says. पौलुस प्रेरित कहते हैं। I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से लज्जाता नहीं हूं। And next Sunday we will talk about the purpose of our choosing. अगले रविवार को मैं उद्देश्य के विषय में बताऊंगा। Why did God choose us? कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? Hallelujah. Hallelujah. There is a higher purpose. एक उच्च एक उद्देश्य है। Let us rejoice in Him. हम प्रभु में आनंदित रहें। Call on the name of the Lord. यीशु के नाम को पुकारें। All of us. हम में से हर एक जन। If you are not very certain. अगर आप निश्चय नहीं हैं। That if the Lord comes today. अगर प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। Whether you will be with the Lord in heaven. यदि प्रभु आपको ले जाएंगे अपने पास। You are not very certain of it. आप निश्चय नहीं हैं। Make sure. आप इस निश्चय को कर लें। Right now. इसी समय यीशु के नाम को पुकारें। As the Bible says, those who call upon the name of the Lord shall be saved. बाइबल बताती है कि जो यीशु के नाम को पुकारता है वो उद्धार पाएगा। Come in humility. और नम्रता के साथ। Come with repentance. और पश्चाताप के साथ आए। Give up our old ways of life. और अपने जीवन के पुराने बातों को भूल जाए। Let us enter into a new family. और एक नए जीवन में प्रवेश करें। The family of God. परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करें। Hallelujah. No matter what difficulties you will confront. और चाहे हमारे सामने कुछ भी मुश्किलें क्यों ना आए। They will come. वे जरूर आएंगे। We will be persecuted. आपको सताया जाएगा। We will be ridiculed. आपका ठट्टा उड़ाया जाएगा। But what do you want? लेकिन आप क्या चाहते हैं? In order to escape all that, you deny Jesus. इन सारे बातों को बचने के लिए हम यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। And lose your soul. और फिर हम अपने प्राण को खो देंगे। Spend your eternity in hell with the devil. और फिर अपने अनंत काल के जीवन को नरक में बिताएंगे। With the devil. शैतान के संग। Or you want to spend your eternity with God the Father in heaven. या तो फिर आप अपने अनंत काल को स्वर्गीय पिता के साथ स्वर्ग में बिताना चाहेंगे। Everybody lift up your hands. हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाए। Hallelujah. Hallelujah. Call on the name of the Lord. यीशु के नाम को पुकारें। Lord Jesus. प्रभु यीशु। I repent of all my sin. मैं अपने सारे पापों से पश्चाताप करता हूँ। I am coming to you, Lord. मैं आपके पास आ रहा हूँ। I open my heart. मैं अपने हृदय के द्वार को खोल देता हूँ। Come and live in my heart, प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आकर वास करें। Forgive me. मुझे क्षमा कर दे। Cleanse me. मुझे शुद्ध कर दे। Oh Lord Jesus. प्रभु यीशु। I want to be ready to be with you. मैं तैयार रहना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ रहने पाऊँ। I will live for you. मैं आपके लिए जीने पाऊँ। I will serve you. मैं आपकी सेवा करने पाऊँ। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God.